नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चला रखा है। इसे फलस्वरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच एसएस गणेश के मार्गदर्शन व महोदय मनासा संजीव मोले के निर्देशन में थाना प्रभारी मनासा कन्हैयालाल डांगी व टीम द्वारा गत रात्रि में प्राप्त मुखबिर के सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए ग्राम ढंडेरी फंटा प्रतीक्षालय के पास नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल क्रमांक MP44 MT 1691 पर आए दो व्यक्तियों के कब्जे से एक कट्टे में भरा 4 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है। दो व्यक्ति जिनके नाम तूफान पिता मोतीलाल गायमा निवासी शेरपुरिया चक्कीवाला थाना कुपरेश्वर और मनीष पिता बाबूराम राठौर तेली निवासी राम मोहल्ला मनासा से 4 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता मिली है। दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि ये गांजा कहां से लाते थे और किनको देते थे। दोनों को ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड प्राप्त करके उनसे बारीकी से पूछताछ की जाएगी। जो भी आरोपी इस घटनाक्रम में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।